हेलो नमस्ते सलाम दुआ वणक्कम प्रणाम सत श्री अकाल केम छू सारू छे। मैं शशांक आपका अपने चैनल ट्रिप ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदू धर्म में जन्मे प्रत्येक मनुष्य की ये इच्छा होती है वह हरिद्वार जाए, गंगा स्नान करे और सारी तीर्थ नगरी को मुख्य स्थान घूम ले। पर आधी अधूरी जानकारी होने के कारण वह आधा हरिद्वार घूम के ही वापस चला जाता है। इसलिए आज मैं आपको हरिद्वार के सारे मुख्य और मेन पॉइंट के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। तो जब भी आप हरिद्वार आए उस अब से बाद आप हरिद्वार के सारे मुख्य स्थान देखकर ही वापस जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हरिद्वार के सभी मुख्य स्थान। तो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। नंबर एक, दक्ष मंदिर। दक्ष मंदिर हरिद्वार के कनखल में है। इसे भगवान शिव की ससुराल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले राजा दक्ष का महल था। अब यहाँ आप राजा दक्षेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही दूध जल अर्पित कर सकते हैं और दक्षेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर आपको भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है जो गोरा माँ को गोद में उठाए हुए है और आप यहाँ पर सती कुंड देख सकते हैं, साथ में ही गंगा का प्राचीन मंदिर भी देख सकते हैं और यहीं पर शीतला माता का मंदिर भी आप देख सकते हैं और शीतला माता मंदिर में आप माँ शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही सती घाट है जो गंगा किनारे माँ गंगा का एक बहुत ही सुंदर घाट है। माना जाता है कि माँ सती माँ यानी कि माँ पार्वती यहीं पर स्नान किया करती थी, तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। नंबर दो, दक्षिण काली मंदिर। आप दक्षिण काली मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। यह सिद्धपीठ है। जब आप हरिद्वार आए तो दक्षिण काली मंदिर के दर्शन जरूर करें। नंबर तीन, चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। वहां पर आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं या फिर आप केबल कार से भी जा सकते हैं, जो 10 मिनट का एक बहुत ही सुहाना सफर है। वहां से आपको बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है। नंबर चार, मनसा देवी। मनसा देवी भी चंडी देवी की भांति पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित है। वहां पर भी आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं या फिर आप केवल कार में भी जा सकते हैं। यहां से हर की पैड़ी का बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है। नंबर पाँच, माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर हरिद्वार की मुख्य सिद्धपीठ में से एक है। यह हरिद्वार के मध्य में स्थित है। जब आप हरिद्वार आए तो माया देवी के दर्शन भी जरूर करें। नंबर छः, भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर हरिद्वार का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। नंबर सात, वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर ठीक जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी की भांति दर्शाया गया है। जो लोग वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो हरिद्वार में वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। नंबर आठ, भवानी केतन मंदिर। भवानी केतन मंदिर बहुत ही सुंदर झांकियों से बनाया हुआ मंदिर है। इसमें आप अंदर जाकर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियों के दर्शन कर सकते हैं। नंबर नौ, इंडिया टेंपल। इंडिया टेंपल में बहुत ही सुंदर झांकी बनी हुई है। आप अंदर जाकर बहुत ही भव्य नजारे देख सकते हैं। नंबर दस, पावन धाम। पावन धाम या शीश महल, ये हरिद्वार का सबसे सुंदर मंदिर है। यहाँ इसको शीश महल भी कह सकते हैं। यह इतना सुंदर मंदिर है, आप अंदर जाकर इसकी कलाकारी एक बार जरूर देखिए।
नंबर 11 हर की पौड़ी। हर की पौड़ी गंगा का वह सुंदर तट है जहाँ पर हिंदू धर्म में जन्मे प्रत्येक मनुष्य की यह इच्छा होती है कि वह हरिद्वार में हर की पैड़ी पर जाए और गंगा स्नान करे और अपने सारे पापों को धो ले और पाप मुक्त हो जाए। कल कल बहती माँ गंगे मैया सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा दिन रात वह हर मौसम में यहाँ लगा रहता है। देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं और गंगे माई में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही शाम होते होते यहाँ गंगे मैया की आरती का भव्य कार्यक्रम होता है जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और माँ गंगे माई की आरती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य और पुण्य का कार्य है।